नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। आजमगढ़ बढ़िया में कुंवर नदी में नहाते वक्त डूबा एक व्यक्ति, हुई मौत। आइए बताते चले, खबर है उत्तर प्रदेश जनपद आजमगढ़ थाना निजामाबाद क्षेत्र के अंतर्गत बढ़िया गांव के समीप कुंवर नदी में दोपहर 1 बजे के आसपास दिनांक 1 अक्टूबर को बढ़िया गांव का रहने वाला 15 वर्षीय अदनान पुत्र नियाज अहमद नहाते समय डूब गया। गांव के कुछ लोग काफी देर तक खोजबीन करने के बाद भी पता नहीं चला। अदनान के साथ गाँव के कई और लड़के कुंवर नदी में नहा रहे थे, लेकिन सभी सुरक्षित हैं। इस घटना को सुनते ही मौके पर प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद अनवर अली खान तथा चौकी प्रभारी रत्नेश कुमार दुबे मौके पर पहुंचकर गांव वालों और गोताखोरों के माध्यम से खोजबीन जारी है, लेकिन अभी तक नहीं पता चला। अदनान 4 भाइयों में से सबसे छोटा भाई था, अभी तक शव मिला नहीं। फिर अगले दिन सूत्रों के अनुसार दिनांक 2 अक्टूबर को गोताखोर के माध्यम बहुत प्रयास करने के बाद 11 से 12 के बीच में शव बरामद हुआ। शव को पंचनामा करके परिजनों के घर को सौंप दिया गया है। है हमारे खानदान का रियाज खान का लड़का था, 14-15 साल उम्र है, नाम अदनान है। 1 बजे के करीब जो है मछली मार रहा था, फिसल के गिर गया जी। समझ रहे हैं? उसके बाद हम लोग यहाँ पे जमा हुए जी। शासन प्रशासन जहाँ भी फोन करना था सब कर दिया गया जी। मौके पे आए, आप लोग खुद गवाह है कि कहाँ लोग बैठे हुए हैं। ये लोकल पब्लिक है, यहाँ कोई सरकारी आदमी नहीं है जी। देख लीजिए, ये जो हमारे गाँव के खुद ये 15-20 लड़के पूरे 3 घंटा मेहनत किए हैं। उसके बाद कहीं से खबर मिली कि निजामबाद में कुछ गोताखोर हैं, तो उनको हम लोग अपने उससे जो है कॉन्टेक्ट से खुद बुलाएं, वो चाहे अच्छा करें चाहे खराब। और शासन प्रशासन वो सामने 2 किलोमीटर वहाँ बैठा हुआ, वो देखिए पुल के पास, पुल के पास खा रहा है। अभी तक कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, यहाँ पूछने भी नहीं आया। जो लगा लगा सब बैठे वहाँ पे, हाँ जो उनके घर के बच्चे आदमी उससे मिलने तक नहीं आया। अच्छा जी, आपका नाम सर? मुआज खान, बढ़िया घर है मेरा, और जो लड़का डूबा है ये मेरा भाई लगेगा। ये खास रिपोर्ट थी आजमगढ़ सरायमी से नीरज कुमार प्रजापति की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।